नमस्कार दोस्तों, आईना चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे इस चैनल के अंदर हर रोज हम आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताते हैं, जिससे कि आपके जीवन में सफलता मिलती है, खुशियाँ मिलती है और आप जो चाहे सो प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे बांझपन से कैसे दूर हुआ, कैसे दूर हो हुआ जाए, क्योंकि बांझपन एक ऐसा श्राप है जिसकी वजह से वो पति पत्नी का जोड़ा सालों सालों तक अपने आप को शर्मिंदगी में ढाल देता है। और जब किसी के घर में बच्चे किलकारी मारते हैं, खुशियां होती है, बच्चे खेलते कूदते हैं, तो वो पति पत्नी का जोड़ा बहुत ही परेशान हो जाता है और अपने मन में न जाने कितने प्रकार के दोषों को लेकर के अपने जीवन को और भी नरक में बना लेता है। कोई भगवान को दोष देता है, कोई किसी किए कराए वाले को दोष देता है, कोई अपनी किस्मत को दोष देता है। इस प्रकार से नाना प्रकार के दोषों से भरे हुए जीवन में वो जब जीने की राह पे चलते हैं तो शत्रु उसे जीने नहीं देते। और तो और, स्त्रियां पुरुष उस स्त्री का मुंह तक नहीं देखते जिसको संतान की प्राप्ति नहीं होती। संतान की प्राप्ति कर लेना अपने आप में जीवन का एक वो लक्ष्य शुरू हो जाता है, जिससे कि व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए बड़ी खुशी खुशी से रहता है। और अगर उसको संतान नहीं होती है तो वो कोसता है अपने आप को और परमात्मा को भी कोसता है कि परमात्मा, लोगों के चार चार बच्चे हैं और लोगों के घर में बड़ी खुशियां हैं, लोग अपने बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, खेलने जाते हैं, हमारी किस्मत क्या है कि हम अपने बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टरों के चक्कर लगा के, डॉक्टरों की दवाई लेकर के, सियाणे ओझा तांत्रिक पंडित मुल्ला मौलवी बाबाओं के चक्कर में आकर के फिर भी संतान नहीं होती है तो एक बहुत ही बड़ी दुखदायी घटना है। ऐसे में मैं एक बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रहा हूँ। ये उपाय अगर कोई बहन करती है, कोई भाई करता है, निश्चित रूप से आपके बांझपन को दूर करने में ये उपाय बिल्कुल सार्थक होगा और आप निश्चित रूप से ये पाएंगे कि आप थोड़े समय में आगामी साल भर में अपने संतान को प्राप्त कर चुके हैं। ये उपाय ये है कि आपको दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना है, उत्तर दिशा की तरफ जो आपका बेड है, उस पैर है, उस तरफ भगवान कृष्ण की माखन चुराते हुए की तस्वीर लगानी है, माखन खाते हुए की तस्वीर लगानी है, सुबह उठ करके तस्वीर का दर्शन करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और पांच सुपारी लेनी है। एक सुपारी को अपने छत पे रखना है, एक सुपारी को रसोई में किसी कोने में रखना है, एक सुपारी को अपने बेड के किसी कोने में रखना है और एक सुपारी को बहते हुए जल में जल प्रवाहित करना है। इस प्रकार से पांच सुपारी लेकर के आपको ये टोटका उसी दिन करना है जिस दिन आपने भगवान कृष्ण की फोटो लगाई है और आपने शुरुआत की है। 40 दिन तक आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सुच्चे मुंह, जैसे उठते हैं आपको 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना है। ये क्रिया आप लगातार 40 दिन करें, देखिएगा 40 दिन के अंदर अंदर आप संतान की प्राप्ति करेंगे, आप सुखी हो जाएंगे, आपका कोख बंधन खुल जाएगा, आपके शत्रुओं के मुंह पे थप्पड़ लगेगा। मेरी बात को ध्यान से सुने और ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में डालें और मित्रों बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि हम आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़े रहने का संकल्प रखते हैं। ओम नमो नारायण।